नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से सराज विधानसभा क्षेत्र में किया 17 स्तरोन्नत किए गए विद्यालयों का शुभारंभ। प्रेस क्लब शिमला की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने की मुख्यमंत्री से भेंट। प्रदेश के सभी जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनमंच का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में स्तरोन्नत किए गए 17 विद्यालयों का शुभारंभ किया। इनमें राजकीय प्राथमिक पाठशाला से राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत किए गए विद्यालय सुरांगी, काऊ, कांढी, कोठड़ा और मझान शामिल है, जबकि राजकीय माध्यमिक पाठशाला से राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत किए गए स्कूलों में झौट, शालागार, बाहवा, रैनगलू, कल्हणी और नारायणबन तथा राजकीय उच्च पाठशाला से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत किए गए स्कूलों में धरोटधार, माणी, सेरी बटवाड़ा, बागी भनवास, सुधराणी, लामसाफड़ और चपलांदीधार शामिल है। मुख्यमंत्री ने सभी स्तरोन्नत विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों की पाठशाला आने जाने की समस्या के समाधान के साथ साथ उन्हें सुविधा भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सभी स्तरोन्नत विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सभी को आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे स्कूल उद्घाटन की दृष्टि से जिनकी शुरुआत हुई, आज शुभारंभ जिनका हुआ, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस बात को देख रहा था और ये कार्यक्रम, इस प्रकार का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शायद ये पहली बार हो रहा है। हम एक दो स्कूलों के उद्घाटन करने के लिए वर्चुअल माध्यम से जुड़े भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन किसी एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 17 स्कूलों के शुभारंभ करने की ये शुरुआत ये पहली बार हुई और इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके बीच में यही कहना चाहूंगा कि भले ही मेरा आने जाने में उतना समय नहीं निकल पा रहा अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप और हम इस प्रकार से किस तरह के एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं वर्षों का साथ, अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में, हम सब मिलकर के साथ चलते रहे और इस सफर के एक मुकाम पर पहुंचने की जो है उसमें स्वाभाविक रूप से आप सबकी दी हुई ताकत, आप सबकी दी हुई ऊर्जा ही हमको ये संभव करवा पाई है और उसका एहसान मैं जीवन भर में कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि हर कदम पर चलते चलते आगे बढ़ना और सब लोगों का आपका साथ देना ये बहुत महत्व का विषय था। हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल खोलने की कोशिश की है, सड़क की जगह सड़क पहुंचाने की कोशिश की है, जहां पीने के पानी का संकट था वहां पर पीने की पानी की योजना पहुँचाने की कोशिश की है, और जहाँ आप सब लोगों के लिए स्कूल की सुविधा और बेहतर होनी चाहिए थी वहाँ पर स्कूल की सुविधा वहाँ पर बेहतर करने की कोशिश की है, जहाँ हमको और संस्थान खोलने थे विकास की दृष्टि से आपके इच्छा के मुताबिक आपके मन के मुताबिक हमने करने की कोशिश की है और आने वाले समय में भी इस काम को हम जारी रखेंगे, ये मैं इतना कहना चाहता हूँ। और आज जो 17 स्कूल हैं उन 17 स्कूलों से मेरा सभी जगह से मेरा सभी जो लोग बैठे हैं SMC के हमारे कुछ साथी बैठे हैं उनसे भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि आप एक एस्टिमेशन अपने अपने स्कूल का बनाएं और जितना भी पैसा उसमें लगेगा वो पैसा हम जल्दी से उपलब्ध कराएंगे ताकि स्कूल का अपग्रेडेशन के बाद जो है स्कूल का दर्जा बढ़ने के बाद वहां पर बैठने की सुविधा भी बेहतर हो सके, इसका हम प्रयत्न करेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के हर क्षेत्र का समान एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों में कई नवोन्मेष पहल की गई है।
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 50 राजकीय महाविद्यालयों, 50 विद्यालयों और 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। वन विभाग तथा आयुष विभाग के सहयोग से वर्ष 2022-23 में 200 राजकीय विद्यालयों तथा 50 राजकीय महाविद्यालयों में आयुष वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी, जिनमें दुर्लभ औषधीय पौधों तथा जड़ी बूटियों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को 12वीं तथा स्नातक के उपरांत मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर 11वीं कक्षा में पढ़ रहे 100 मेधावी विद्यार्थियों को व्यावसायिक या तकनीकी कोर्स में प्रशिक्षण के लिए 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर तैयार वीडियो एल्बम जारी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज समाचार पत्र फर्स्ट वर्डिक्ट का विशेष संस्करण बांका हिमाचल जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि समाचार पत्र में विकासात्मक समाचारों के साथ साथ सामाजिक मूल्यों पर आधारित लेखों को विशेष स्थान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज प्रेस क्लब शिमला की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने अध्यक्ष श्री उज्जवल शर्मा के नेतृत्व में भेंट की। समाज की अंतिम पंक्ति में शामिल प्रत्येक व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने एवं उनकी समस्याओं के घर द्वार पर समाधान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की संवेदनशील एवं दूरदर्शी सोच को सार्थक कर रहे जनमंच का आयोजन प्रदेश के सभी 12 जिलों में किया गया। आज आयोजित जनमंच में कुल 684 शिकायतें व मांगे प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। जनमंच के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविर में लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ भी प्रदान किए गए। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।